तो कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्मी फेस के एक और रिएक्शन वीडियो में। तो भाई फाइनली OMG का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और भाई यह फिल्म काफ़ी विवादों में फंसी हुई है और कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 20 कट लगाने को बोला है। साथ ही जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है, जो शिवजी इसमें दिखाया गया है, उसको बदलने के लिए बोला गया है कि आप किसी को भी दिखाइए लेकिन वो शिवजी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातें सेंसर बोर्ड द्वारा बोली गई है और इस ट्रेलर को भी सेंसर बोर्ड ने हाल ही फिलहाल पास किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ट्रेलर को देखते हैं, बाकी बातें इस ट्रेलर के बाद इस ट्रेलर के अंत में ही करेंगे। तो भाई उससे पहले मैं इस ट्रेलर पर बढ़ूँगा, आपसे एक ही अनुरोध है, नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि सारी बातें इस वीडियो के लास्ट में किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। नंदी, मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। ओ शांति शरण मुद्गल वर्सेस, ये चेंज किया गया, शांति शरण सिर्फ गलत लिखो है। ये आरोपी फिरियादी एक ही आदमी है। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है, क्या हो रहा है? आपसे तो अच्छे संस्कार की उम्मीद रख ही सकते हैं ना हरुण गोविंद। अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता है। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवाए, वही कर ही लिया तुम। बच्चे गेट में बच जाते हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है, आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं 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 गलत करते हुए पाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके, आपत्ति है तो खड़े होके, और खड़े हो तो देखिए, खड़े हैं तो खड़े हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। सनातन धर्म के चार स्तंभ है, उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। आप मुझे साहिब के सामने क्यों नंगा कर रही हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बता। In that case, आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया चालक की गलती से, आप अपाहिज हो गए महाराज। आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो शिव के दास। नहीं, शिव के पास। क्या प्रकार है भाई ये? तो चोरी। चलो चलता हूँ। ओ भाई पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। तो भाई जैसा कि ट्रेलर खत्म हो चुका है और भाई इस ट्रेलर को देखते हुए मुझे एक चीज़ बहुत ही मतलब मूल रूप से फील हो रही है कि कुछ तो भाई इस गड़बड़ है इस ट्रेलर में, क्योंकि भाई ट्रेलर काफ़ी शांति से गुजर गया है और भाई ऐसा सेम चीज़ हमें आदि पुरुष में भी देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी सफाई से इस ट्रेलर को इस तरह से अच्छी बारीकी से काटा गया है कि आपको कुछ भी आपत्तिजनक सीन आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यह फिल्म सेक्स एजुकेशन पर होने वाली है, तो हम सभी का यही प्रश्न है कि भाई सेक्स एजुकेशन में महादेव का कैरेक्टर का क्या काम है? और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा काफ़ी कट लगाया गया है और उनका कहना था आमतौर पर कि भाई जो ये कैरेक्टर है शिवजी का, जो अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को कुछ और दिखाइए लेकिन शिवजी नहीं दिखाइए। और जैसा कि हमें ट्रेलर के शुरुआत में ही देखने को मिलता है
एक डायलॉग के माध्यम से हमें बताया जाता है कि शिवजी द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि नंदी को शिवजी बोल रहे हैं कोई एक गन को भेजिए जो कि हमारे भक्त का मदद करे। तो इससे साफ पता चलता है कि भाई सेंसर बोर्ड काफ़ी हद तक इस फिल्म को लेकर सजग है और कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि यह फिल्म शिवजी पर होने वाली है, तो भाई कहीं ना कहीं आस्था को बहुत ज़्यादा यह ठेस पहुँचाने वाली है। तो कहीं ना कहीं ट्रेलर को तो पास कर दिया गया है और ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है, लेकिन भाई अभी भी मुझे डाउट है कि फिल्म में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दे जिससे हमारी भावना को ठेस पहुँचे। तो भाई मैं यही कहूँगा आप सभी को कि भाई इससे पहले कि आप मूवी देखें उससे पहले आप रिव्यू देख लीजिए। एक दो दिन लेट से ही देखेंगे मूवी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भाई आप अच्छी मूवी देखिए, मेरा यही आपसे गुजारिश है। तो भाई यही तक आना मेरा इस ट्रेलर को देखते हुए। तो भाई आपको यह ट्रेलर देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। तो भाई आपको क्या लगता है यह मूवी कैसी होने वाली है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और रिव्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।